हेलो एवरीवन, इस साल जो नीट 2021 की काउंसलिंग है उसके बारे में और नीट 2022 का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट के बारे में हम बात करेंगे। ये एक पेपर की कटिंग है, इसमें लिखा हुआ है एक साल दो बार फर्स्ट ईयर एडमिशन, मतलब जो नीट 21 की जो काउंसलिंग होगी उनकी काउंसलिंग जब तक चलेगी, मार्च अप्रैल तक जब भी चलेगी, उसके बाद मई में 2022 का एग्ज़ाम बोला जा रहा है। देन पहली बार दो बैच साथ करेंगे मेडिकल फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, नीट पीजी आखिरी सीट अलॉटमेंट और 2022 की परीक्षा एक ही दिन होगी, मतलब नीट 2021 एंड नीट 2022 एक साथ चलने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है, जल्द ही यूजी का भी शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो फिंगर क्रॉस्ड आप सबका भी एडमिशन हो जाएगा जिन लोगों का नीट यूजी क्लियर हो रखा है। मेडिकल एजुकेशन के इतिहास में पहला साल होगा जिसमें हर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की दो क्लासें एक साथ चलेंगी, नीट 2021 की भी एंड नीट 2022 की भी। ऐसा इसलिए क्योंकि नीट यूजी व पीजी 2021 और नीट यूजी पीजी 2022 का प्रोसेस पूरा होने के बीच 6-6 माह से कम समय रहेगा, 6 मंथ का डिफरेंस भी नहीं है 2021 एंड 2022 के एडमिशन प्रोसेस में। एक ही साल में फर्स्ट ईयर में एडमिशन की जो प्रोसेस होगी वो दो बार होगी, क्योंकि नीट 2022 की भी अभी 22 में होगी एंड नीट 2021 की भी 22 में होगी। नीट पीजी की 2021 की काउंसलिंग मार्च तक पूरी होगी एंड 16 मार्च तक फाइनल राउंड की रिपोर्टिंग भी होगी। पीजी 2021 का आखिरी राउंड का सीट अलॉटमेंट व नीट पीजी 2022 की परीक्षा 12 मार्च को है। जो 2022 का एग्ज़ाम होगा नीट पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसका जो एग्ज़ाम है वो 12 मार्च को होगा। पीजी परीक्षा 2022 का परिणाम 1 या 2 महीने में आएगा और उसके बाद पीजी 2022 की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। यूजी 2021 की क्लास अप्रैल व 2022 की क्लास अगस्त सितंबर तक शुरू होगी। इसमें यूजी जो आप नीट का एंट्रेंस दे के आते हो उसका ही लिखा हुआ है कि 2021 का जिनका भी एडमिशन होना, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया उनकी क्लासें भी अप्रैल में होगी और 2022 की क्लास अगस्त या सितंबर तक शुरू हो जाएगी, मतलब 6 महीने से भी कम का डिफरेंस रहने वाला है। मार्च के अंत तक नीट यूजी 2021 की स्टेट काउंसलिंग चलेगी, स्टेट काउंसलिंग, और मई में नीट का होना है। जो 2022 का जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है वो मई में होगा। ये एक पेपर की कटिंग है एंड तो प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने नीट 2022 का एग्ज़ाम देना है, आप लोगों का एग्ज़ाम मई में होने वाला है, सिलेक्शन नहीं होता। अगर नीट 2021 की जो काउंसलिंग होगी उसमें सिलेक्शन नहीं होता तो नीट की तैयारी के लिए सिर्फ 1 महीने ही मिलेगा। नीट पीजी की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 12 से 17 जनवरी तक चलेंगे, पीजी के ना कि यूजी के, पीजी बात चल रही है। चॉइस फिलिंग 13 से 17 जनवरी एंड सीट अलॉटमेंट 20-21 जनवरी तक चलेगी। पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट 22 जनवरी को हो जाएगा। एक बात और, जो ऐसा सोच रहे थे कि अगर 2000 जैसे 2021 में एग्ज़ाम हुआ था तो सेशन तो आपका तभी स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन एक साल आगे 2022 में शुरू हो रहा है, क्या आपका साल बदलेगा? जी नहीं, नीट यूजी के सेशन में देरी होने के बावजूद साल नहीं बदला जाएगा। नीट यूजी 2022 में देरी होने पर भी 2021 के जो स्टूडेंट्स होंगे वो सेकेंड ईयर में नहीं पहुँच पाएंगे, वो फर्स्ट ईयर में ही रहेंगे। ये तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई नहीं करोगे तो सेकेंड ईयर में कैसे पहुँच जाओगे? उस टाइम भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कहलाएगा। ऐसी स्थिति में फर्स्ट ईयर के दो बैच ही होंगे। IMM जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर शकुल देवेंदी ने बताया कि पहले साल में एनाटमी में डेड बॉडी पर डिस्कशन होता है, एनाटमी में डेड बॉडी पर डिस्कशन होता है, बॉडीज़ कम एंड स्टूडेंट अधिक होने पर दिक्कत आ सकती है। डेड बॉडी कम हो जाएंगी, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में। पीजी में क्लिनिकली प्रैक्टिस पर असर भी पड़ेगा, शिक्षकों फर्स्ट ईयर की 1 क्लास अतिरिक्त लेनी पड़ेगी। तो ये सब जो है होने वाला है इस साल एंड जो नीट 2021 है वो मई में होने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।